मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने छठ पूजा को छठ घाट पर करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा छठ पूजा छठ घाट पर करने का आदेश देने के बाद वहां घाटों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है और झारखंड में सभी नदी तालाबों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और नदी तालाबों की सफाई में आज के नव युवक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद छठ पूजा छठ घाटों पे होगी। इसके बाद छठ घाटों की सफाई जोरों पर है। कैमरामैन अमन के साथ सुजीत कुमार, तहसील रिपोर्टर हजारीबाग, HBN न्यूज। आज बागबेड़ा बरोदा घाट में छठ महोत्सव को देखते हुए आज साफ सफाई अभियान जो है बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसमें बागबेड़ा महानगर विकास समिति के द्वारा, अटल सेना के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर आज साफ सफाई अभियान छठ व्रत को देखते हुए यहां पर गंदगी का अंबार है और इसको हर वर्ष समिति के सहयोग से बराबर साफ सफाई कराई जाती है। जिला प्रशासन से भी आग्रह है कि यहाँ पर साफ सफाई का अभियान जो है जिला प्रशासन अपने स्तर से कहे, क्योंकि काफ़ी गंदगी का अंबार है। यहाँ पर आए हुए अटल सेना के प्रदेश के उपाध्यक्ष विजय कुमार जी, महानगर अध्यक्ष अटल सेना के नवीन चौधरी जी, सतीश जी, कार्तिक कुमार जी, बिट्टू कुमार जी, कमल जी, हमारी युवा मोर्चा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु सिंह जी एवं सभी लोग आज साफ सफाई अभियान में लगे हुए हैं। और जब तक ये साफ सफाई का अभियान पूरा नहीं हो जाता है, हम बागबेड़ा महानगर विकास समिति और अटल सेना सभी घाटों पर साफ सफाई करके आम व्रतधारियों को सेवा प्रदान करने के लिए ये कार्य करेगी। और इस वर्ष जिस तरह जिला प्रशासन का जो आदेश निर्देश आएगा उसके अनुसार फिर हम लोग बड़े पैमाने पर कैंप आदि लगा करके व्रतधारियों को सेवा प्रदान करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। जो हर वर्ष हम लोग करते हैं उसे अधिक से अधिक तरह की व्यवस्था सेवा के रूप में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और आज बागबेड़ा के इस बरोदा घाट में साफ सफाई अभियान हम लोग कर रहे हैं, जो कि गंदगी का अंबार बना हुआ है और इसको हम लोग सही रूप से साफ करके व्रतधारियों को सेवा प्रदान करेंगे। सुबोध झा, अध्यक्ष बागबेड़ा महानगर विकास समिति, स्व अटल सेना के विजय कुमार जी प्रदेश उपाध्यक्ष के अगुवाई में कार्य को हम लोग संपन्न कर रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।